बाबा नंद सिंह जी इस पहलू को भी बड़े अलग तरह से समझाया करते थे, बड़े ही विशेष पहलू से। कहते थे इंसान अपने आप को मालिक समझता है, मालिक, पर होता है असल में गुलाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जिसे जिस चीज का अपने आप को मालिक समझते हैं असल में उसके गुलाम होते हैं। फरीद जी जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, भगत फरीद जी, देखा एक किसान अपने बैल को खींच रहा है रस्सी से, बैल चलना नहीं चाहता, चल नहीं रहा, बहुत जोर लगा रहा है, रस्सी से खींच रहा है। भगत फरीद जी रुक गए अपने शिष्यों के साथ, कहने लगे मालिक कौन है, बैल या किसान? तो शिष्य कहने लगे मालिक तो किसान ही है, बैल तो उसका जानवर है पालतू। भगत फरीद जी मुस्कुरा के कहने लगे अगर मैं बीच में से रस्सी काट दूं, तो मालिक बैल के पीछे भागेगा कि बैल मालिक के पीछे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य कहने लगे बैल तो पहले ही नहीं जाना चाहता इसके साथ, वो तो भागेगा और मालिक उसको पकड़ने भागेगा। तो भगत फरीद जी ने सवाल किया जो पीछे भागे वो गुलाम, जो आगे आगे चले वो गुलाम, जो पीछे भागे वो गुलाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य चुप कर गए। भगत फरीद जी ने समझाया असल में दिखने में लग रहा है बाहर से कि ये किसान बैल का मालिक है, पर असल में मालिक बैल है इसका, क्योंकि मन से गुलाम है उसका, जैसे ही बैल भागेगा ये उसके पीछे भागेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे दुकान है, मकान है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, अगर छूटने लगे तो इंसान भागता है कि कहीं चले न जाए मेरे हाथ से छूट के। समझो किसी की दुकान ही टूट रही हो, आदमी भागता है, हाथ पैर मारता है। पर कभी देखा है किसी दुकान को किसी आदमी के पीछे भागते हुए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कहते हैं कि इस दुकान के मालिक हमें, पर दुकान में तकलीफ आती है तो दुकान नहीं हमारे पीछे भागती, हम भागते हैं, गुलाम पीछे भागता है मालिक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम परिवार के गुलाम, दोस्तों के गुलाम, रिश्तेदारों के गुलाम, और कहते हैं अपने आप को मालिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहते थे मालिक कहना ही गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे एक का गुलाम हो जा केवल एक का, सबका मालिक बन के बैठ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक का गुलाम, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक का गुलाम हो जा, बाहर से दिखेगा तो सबका गुलाम है पर भीतर से उल्टा सबका मालिक बन जाएगा, तो मुंह की रस्सियां टूट जाएंगी, बंधन टूट जाएगा अगर सुरत एक से जोड़ लेगा।